नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे, जहां ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से मंत्री का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मंत्री समीर महासेठ ने शहर के व्यापारियों के साथ बैठक कर उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की। वहीं बैठक में व्यापारियों ने बिहार में इंडस्ट्रीज लगाने को लेकर कई सुझाव दिया, जबकि इसके लिए बैंकों के द्वारा लोन उपलब्ध कराने में व्यापारियों को होने वाली परेशानी को लेकर भी व्यवसायियों ने मंत्री से अपनी बात रखी। इसको लेकर मंत्री ने बैंक के अधिकारियों से बात कर प्रत्येक सप्ताह में उनसे रिपोर्ट मांगी है। मंत्री ने बैंक अधिकारियों से बात करते हुए पूछा कि इंडस्ट्रीज और व्यापार के लिए कितने व्यापारियों को लोन दिया जा रहा है, इसकी सूची उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मंत्री ने बैंकों से व्यापारियों को लोन नहीं देने का कारण पूछते हुए कहा कि अगर वह व्यापारियों को लोन नहीं दे रहे हैं तो उसका कारण लिखित रूप से बताया जाए। उद्योग मंत्री ने कहा कि कारण स्पष्ट होने से व्यापारियों को पता चल पाएगा कि उन्हें बैंक लोन क्यों नहीं दे रहे हैं, जिससे कमियों को दूर किया जा सके। वहीं उन्होंने व्यापारियों से आह्वान करते हुए कहा कि व्यापार को लेकर किसी भी तरह की समस्या होने पर सरकार द्वारा उसका हर संभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। साधन है, इसके बाद जो व्यापारी वर्ग उद्योगपति जो चाहते हैं वे बैंक सपोर्ट नहीं करेगा तो हम बार बार जाते रहे और कुछ काम नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसको फेक परसेप्शन के रूप में हम लोगों ने उस बात को रखा कि आपको 3 महीने का समय दिया जाता है, आप हर एक जो हमारे बेस लाइन है उससे कितना नीचे है। पूरे देश के जो बैंक का है पर जो स्टेट है उसके आधार पर कितना परसेंटेज है उसके बारे में आप हमें बताएं। और उसमें हमने उद्योग विभाग के बारे में कहा कि जो भी व्यापारी या उद्योग करने वाले अगर आप लोन नहीं देते हैं किसी कारण तो आप अभिव्यक्ति एक पैराग्राफ और बढ़ाइए, वो पैराग्राफ पे हमें पता चलना चाहिए किन कारणों से आप नहीं। भागलपुर के बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटाहा गांव में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष के द्वारा स्थानीय थाने में लिखित आवेदन देकर शिकायत की गई है। वहीं इसको लेकर घायल सोमाधव यादव ने कहा कि भाई बेगू यादव और बब्बर यादव जब भी ड्यूटी से घर वापस लौटता है तो अक्सर उन लोगों से विवाद करता है। बताया जा रहा है कि सोमाधव यादव अपने जमीन पर काम करवा रहा था, तभी बेगू यादव एवं बब्बर यादव आकर गाली गलौच करने लगा और देखते ही ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद मामला मारपीट में तब्दील हो गया, जिस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इधर घटना की जानकारी देने के लिए जब पीड़ित पक्ष थाने जाने लगे तभी दोनों भाइयों ने हथियार और तमंचे के बल पर गाली गलौच करते हुए थाने में शिकायत करने पर जान से मार देने की धमकी दी। वहीं फिलहाल घटना को लेकर पीड़ित पक्ष के द्वारा थाने में आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। जबकि बाईपास टीओपी प्रभारी ओम प्रकाश कुमार ने कहा कि किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भागलपुर नाथनगर स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में 3 दिवसीय भव्य रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत शनिवार को हुई। महोत्सव के पहले दिन बाबा मनस्कामना नाथ का 1.25 लाख रुद्राक्ष से श्रृंगार किया गया, जिसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह का माहौल दिखा। वहीं इसको लेकर पंडित माना शुक्ला ने बताया कि मंदिर प्रांगण में बाबा का भव्य रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें 1.25 लाख रुद्राक्ष का पूजन कर रामायण पाठ, हनुमान चालीसा पाठ और महादेव का रुद्राभिषेक किया गया। उन्होंने बताया कि सोमवार को महादेव का पंचामृत से स्नान और रुद्राभिषेक के अलावा 1.25 लाख रुद्राक्ष से महादेव का श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही कहा कि श्रृंगार के दौरान नगर शांति और सभी की मनोकामना पूर्ण करने के साथ विश्व कल्याण की कामना की जा रही है। आज बाबा मनस्कामना मंदिर के प्रांगण में बाबा मनस्कामना का रुद्राभिषेक और 1.25 लाख रुद्राक्ष पूजन, 1.25 लाख रुद्राक्ष महादेव को श्रृंगार 13 तारीख को किया जाएगा। और आज महादेव का रुद्राभिषेक करके रुद्राक्ष का पूजन और कल रामायण पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ होगा, महादेव का रुद्राभिषेक भी होगा और 13 तारीख को महादेव का पंचामृत से स्नान और रुद्राभिषेक और 1.25 लाख रुद्राक्ष महादेव का श्रृंगार किया जाएगा। यह श्रृंगार 1.25 लाख रुद्राक्ष श्रृंगार में
और सभी की मनोकामनाओं पूर्ण के लिए और नगर शांति के लिए और विश्व शांति के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमर शहीद जुब्बा साहनी की पुण्यतिथि के अवसर पर मोइनुल हक स्टेडियम के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित पार्क में अमर शहीद जुब्बा साहनी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह एवं भीष्म सहनी, पूर्व विधायक विद्यासागर निषाद के अलावा सरकार के कई वरीय पदाधिकारी एवं गणमान्य लोगों ने भी शहीद जुब्बा साहनी को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन और बिहार गीत की प्रस्तुति के साथ अमर शहीद जुब्बा साहनी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित गीतों का भी गायन किया गया। वहीं इसको लेकर कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने बिहार में शराबबंदी को सफलतापूर्वक लागू होने की बात कही। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम चक्रपाणी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कलकत्ता में कार्यरत हूँ। हम लोग 18 मार्च 2023 को मंगलम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भागलपुर में आ रहे हैं अपनी टीम के साथ, और कैंसर और कैंसर रिलेटेड समस्याओं के बारे में सुनेंगे और सुझाव देंगे। मेरा स्पेशलिटी ब्लड और ब्लड से संबंधित बीमारियां हैं, लाइक थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, लो प्लेटलेट का काउंट, लो हीमोग्लोबिन, उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में हम सुझाव देंगे। कुछ कैंसर जो कि कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होता है उस कंडीशन में हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, थैलेसीमिया का बीमारी के लिए ट्रांसप्लांट करते हैं, इसके संबंधित भी आप लोग को जानकारी देंगे। तो हमारा आग्रह है और सुझाव है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर में आइए ताकि हम लोग आप लोग के साथ बैठकर और इंटरेक्ट करके आप लोग के समस्या का समाधान कर सकें। नमस्ते दोस्तों, कैंसर सुन के सब डर जाते हैं ना, और कैंसर बढ़ते जा रहा है सबको मालूम है, और भागलपुर जैसी जगह में जब कैंसर सुनते हो तो आप तुरंत शहर की तरफ दौड़ने का सोचते हो। आज आपके लिए खुशखबरी की बात है, अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कलकत्ता आपके लिए कैंसर की पूरी टीम, यस दोस्तों पूरी टीम, मेडिकल सर्जिकल रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को लेके 18 तारीख को मंगलम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपकी दुविधा को दूर करने के लिए आ रही है। कोई भी शंका हो, सेकेंड ओपिनियन हो, कुछ भी आपको डिस्कस करना हो, एक छत के नीचे ऑल स्पेशलिस्ट आपके लिए भागलपुर में आ रहे हैं। मैं डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल, सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मिलते हैं आपसे 18 तारीख को भागलपुर। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में बिहार संग्रहालय समिति शासी निकाय की द्वितीय बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बिहार म्यूजियम संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से शासी निकाय के विभिन्न एजेंडों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। महानिदेशक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन में बिहार संग्रहालय से संबंधित प्रमुख बातों की जानकारी दी, जिसमें दर्शकों के भ्रमण एवं वित्तीय लेखा से संबंधित जानकारी शामिल रही। वहीं बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट का भी अनुमोदन किया गया। इधर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार म्यूजियम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय है जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जबकि इस संग्रहालय का प्रबंधन और कार्यकलाप का संचालन बेहतर ढंग से करने की बात सीएम ने कही। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कई बड़े बड़े आइकॉनिक भवन बनाए गए हैं, जिसमें सरदार पटेल भवन, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई संस्थान के भवन शामिल हैं। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत हीरानंद में नौकुंडीय शक्ति महायज्ञ को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व बाल संत त्यागी जी महाराज ने किया। कलश शोभा यात्रा की शुरुआत पिता काटकर की गई, जिसके बाद शोभा यात्रा चौधरी वसंतपुर होते हुए योगी बाबा के दरबार पहुंची, जहां जल भरी कर श्रद्धालु पुनः यज्ञ स्थल पहुंचे। वहीं इसको लेकर बाल संत त्यागी जी महाराज ने बताया कि यह उनका 149वां महायज्ञ है,
जो 12 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि महायज्ञ समापन के दिन विशाल भंडारा किया जाएगा। इस दौरान कई गणमान्य लोगों के साथ काफी संख्या में पुरुष और महिला श्रद्धालु मौजूद रहे। हमारे स्वामी जी के सानिध्य में ये कलश यात्रा प्रारंभ हुई है। हम लोग त्रिनेत्र भगवान शंकर के प्रांगण में जाकर जल ग्रहण करेंगे और इसके संपूर्ण होने के लिए हम लोग कामना मांग करेंगे उनसे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।